था कि मैं सच में मैकेनिक वाला काम खोल लिया। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गाड़ी का भी बम्पर वगैरह खोल दिया उन्होंने, माउंट कितनी गंदी हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? तो कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, तो हम कहाँ पे वॉल लगाने गए थे, क्या बिजनेस करते हैं हम। तो कल का दिन हमारा ठीक गया, तो आज फिर एक प्रॉब्लम बन गई। एक दिन ठीक जाता है तो दूसरे दिन प्रॉब्लम बन जाती है। तो एक पंगा बन गया यहाँ पे, तो एक मोटा खर्चा आ गया यहाँ पे गाइस। मैं बताता हूँ आपको गाड़ी का। और इसके ना डिस्क पैड वॉश कर रहे हैं, आई थिंक खराब हो गए हैं। इसके डिस्क पैड वॉश कर रहे हैं, हमें पता नहीं चला। तो अभी हम जा रहे हैं इसको सर्विस सेंटर लेके। ऐसे तो सिर्फ डिस्की डिस्प्ले ही घसती है, ये वाले जो ये ना यही घसते हैं वर्कशॉप में जाने। हाँ, तो इस बार तो पूरी डिस्की घिसकी। अब आ गया मोटा खर्चा। चलो कोई नहीं, गाड़ी काम भी तो आती है। परसों में जाते हैं तो बताते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, जो जो है सर्विस करा ही देते हैं गाड़ी की। तो आज मोटा खर्चा आना ही है, कोई चक्कर नहीं, कर लेंगे मैनेज, करते हैं। और आज की शुरुआत दिन की, तो आज दिन की शुरुआत यहाँ से करते हैं। अपनी लाइफ का दुख और सुख आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बता रहे हैं हम आपको क्या क्या कर रहे हैं। चलो फिर करते हैं, जाते हैं वहाँ पे, मिलता हूँ आपको आगे जाके। ये देखो कितनी आवाज कर रही है गाड़ी, ऐसे ब्रेक लगा रहे हैं, वॉश कर रही है गाड़ी। तो गाइस सामान ले आए हैं, जो जो अंकल ने बताया, तो इन्होंने सर्विस करनी है हमारी गाड़ी की। तो ये कौन सी चीज़ है, मोबलाइल अंकल जी? हाँ मोबलाइल है, बाकी सामान मैं आपको बताता हूँ वहाँ जाके। तो वर्कशॉप में लगा दी अपनी गाड़ी, अभी इसकी सर्विस करेंगे। यहाँ पे डिस्क पैड जो प्रॉब्लम आई है ठीक करेंगे। तो ये इसके ब्रेक पैड ये लाए हैं, और ये एक फिल्टर आई थिंक, बाकी ये वाइपर है, ये थोड़े ख़राब हो गए थे तो इसकी वजह से न्यू चेंज करवा रहे हैं। बाकी आपको बताते हैं जो वहाँ काम आता है, और जो और भी डलेगा जो अंकल बोलते हैं। फिर वो गाड़ी का बम्पर वगैरह खोल दिया उन्होंने, माउंट इतनी गंदी हो, वॉश करवाने वाली है। ये अभी डिस्क पैड चेंज कर रहे हैं, देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आई है ना। अभी टायर निकाल रहे हैं बाहर, देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। आई थिंक ये वाला ठीक होगा, दूसरे वाला ज़्यादा खराब होगा, देख लेते हैं। तो अभी खराब हो गया भैया, ये वाला खराब है, तो ये देख लो, ये हो गया खराब। तो इसकी वजह से आवाज आ रही थी गाड़ी में, करवाते हैं चेंज फिर। तो ये देखो क्या हालत बन गई है इसकी। देखो नए वाले की हालत ऐसे होता है, और ये ऐसे हो गए हैं, पूरे घिस गए हैं। अभी चलेंगे नए वाले। ये क्या भैया, ब्रेक ऑयल? ब्रेक ऑयल की डब्बी पड़ी हुई थी ना, जब फिर ऊपर गंदा हो गया। ये हो गए फिट, इसकी हालत तो ठीक ही है, यहाँ से करना थोड़ा बाकी ठीक है। भैया बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा पलट कर,
तो अभी इंजन ऑयल चेंज हो रहा है। ये वाली ज्यादा खराब है, ये तो डिस्क भी घिस गई है इसकी। कर ये देखो इसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, ये देखो घिस गई है। ये डिस्क हार्ड खराब हो गई है, चाबी दे। ये टोटली डैमेज हो गई है डिस्क ब्रेक, इसको जा रहे हैं ठीक करवाने। खराब हो गया था उनका। अब 5000 बार चेंज कराना है। हाँ, अब पापा पहले भी आ गए। अच्छा। अभी हमने इसको डाला कूलर की जगह पानी डाला। कूलर की जगह पानी डाला। हाँ। है कूलर। डालना पानी। तो ये हमारा इंजन ऑयल, तो ये डालेंगे इसमें। देख लो हालत इसकी कितना गंदा हो गया। मिट्टी होगी उसमें। अभी इसको पूरा साफ कराना है। ये होता है कूलेंट वाला, अगर इसमें अगर आपका 1 लीटर कूलेंट हो, बाकी आप पानी के साथ काम चला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास चलेगा। ये देखो, और इसको कभी गर्म में ओपन नहीं करना, बंद नहीं होना। मैं बोल ओपन वेन हॉट। नहीं, ये तो है ही वाइपर वाला पानी है। ये मैं सोच रहा हूँ पानी चलाते हैं, इंजन ऑयल भी चलाया हमने इसमें। गाइस आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको अपनी गाड़ी की देखना हो कि सर्विस आ गई है अपनी गाड़ी की नहीं, तो आप ये चेक करें। देखो अगर आपका ये अभी तो ये हमारा गंदा है, इसलिए दिख नहीं रहा कुछ भी। मैं आपको साफ करके बताता हूँ कहाँ है इसका पॉइंट। हाँ ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक आपका ऑयल तो होना ही चाहिए। अगर इसके बिल्कुल नीचे है तो आपकी सर्विस आ जाएगी, और आपका अगर कलर ऐसा है ब्लैक हो गया बिल्कुल, तो आपको नया इंजन ऑयल डलाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा आपकी गाड़ी का। ऐसे रिस्क ना लें, इसके लिए इंजन ऑयल सेट लें। हम हमारी ऐसी गलती ना करें गाइस, हम रात को 2 बजे खज्जल होने वाले थे। जैम निकलेगा, इसको ब्रेड पर लगाए और खाए भी। हमने वहाँ पे डिस्क पैड दे दिया अपना ठीक करने के लिए, तो वो इतने बोल रहे हैं आधा घंटा लगेगा, तो इतनी देर हम यहाँ बैठे हैं, इतनी देर हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट थोड़ी रेडी हो गई थी, तो वो खुद ही खोलते हैं, तो सीधी करते हैं। तो गाइस अब ये मैं सोच रहा कि मैं सच में मैकेनिक वाला काम खोल लिया है, वो मैं इसलिए ऐसा हो ना कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए और हमें ये सब नहीं पता हो, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए ये काम आने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखो और वहाँ पे जाके आपको कहीं काम ही आ जाए, पहाड़ों में कहीं कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता पहाड़ों में, तो अपना मैकेनिक खुद बने, अपनी गाड़ी खुद ठीक करें, बस पहाड़ों में इधर नहीं, इधर आओ यहाँ से ठीक है। टेढ़ी हो गई ना बेचारी, सीधी करते हैं इसको।
नेट पकड़ इसको मैंने पकड़ा पिछला नहीं नीचे ना गिरे बस दे नेट नीचे ना गिरे आप बताना एडिटिंग कैसी होती है हमारी तो लो भैया ठीक है ना गाइस आप लोग सोचते हो कि एडिटिंग ये करता है पर ये नहीं करता ये वीडियो बनाता है एडिटिंग मैं करता हूँ रात को मतलब रात को जाके तो इसलिए सपोर्ट करें फुल करें फॉलो करें लाइक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बताना कैसी लगती है मेरी एडिटिंग आपको एक बज गया तो अभी तक खाना भी नहीं खाया सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैं जाता तो मैं घर में रुक सकता था पर मुझे आपके लिए यहाँ आना पड़ा और डिस्क बदलनी पड़ी सो फाइनली डिस्क वाला काम तो हो गया ख़त्म डिस्क पैड भी डल गए हैं और डिस्क भी डल गई है तो अब रह गया काम वाइपर का वो वाइपर डलाने हैं फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं अगली घूमने वाले तो अभी हो चुके हैं हमारे नए वाइपर के बस होगी गाड़ी मारी हो गई है तैयार ओके हो गई है when there is a police everything is illegal when there is no police everything is illegal illegal only when police there police not there abhi be everything legal full speed and then handbrake drift okay तो फाइनली गाड़ी हो गई है ठीक तो अभी टाइम हो गया 2 बज गया गाड़ी फाइनली हो गई ठीक हमारी हो गई अभी ठीक बिल्कुल तो काफ़ी खर्चा आया गाड़ी पे चलो कोई बात नहीं इतना तो होता ही है गाड़ी पे बाकी 2 बज गया अब क्या करेंगे पूरे दिन एग्ज़ाम है मेरे 20 तारीख को तो अब 2 दिन रहेंगे तो मैं पढ़ लूँगा तो अभी हम आए अपनी गाड़ी की चेक करने की कैसी परफॉर्मेंस हो गई है आफ्टर सर्विस तो यहाँ पे स्कूल की छुट्टी हुई है स्कूल वाले बच्चे देख लो आप ये अभी घर पहुँच चुके हैं और आज के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया कि कैसे हमारी गाड़ी का हमने काम कराया और यही थी हमारी कुछ आज का दिन तो अभी 3 बजने वाले हैं खाया कुछ नहीं सुबह से बड़ी बुरी हालत हो गई है तो अगर आपको हमारी डेली ब्लॉग की सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सपोर्ट करो भाई को बाय गाइस